अस्सलाम वालेकुम, क्या आप भी अपने डॉग के बैड बिहेवियर से परेशान हो गए हैं कि वो बहुत ज़्यादा जंप करता है, बहुत ज़्यादा हाइपर है, बाइट करता है, आपकी बात बिल्कुल भी नहीं सुनता? तो आज की वीडियो आपके लिए होने वाली है। आज मैं आपको हमारा 3 स्टेप फॉर्मूला बताने वाला हूँ जो आपके डॉग के 95% बिहेवियर को सॉल्व कर देगा। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। स्टेप नंबर 1 आता है फिजिकली एक्सरसाइज योर डॉग। देखें, जब अपने डॉग को फिजिकल एक्सरसाइज इनफ नहीं देते तब उसकी एनर्जी बर्स्ट नहीं होती, वो बहुत ज़्यादा हाइपर हो जाता है, तो वो बुरे बिहेवियर्स करता है। एटलीस्ट अपने डॉग को डेली 30 मिनट्स की वॉक दें या फेच खेलें, पर ज़रूरी होता है कि आपका डॉग अंदर आप बेशक उसको एक्सरसाइज करा रहे हैं बट आपने उसको बाहर ज़रूर लेके जाना है। जैसे हम ह्यूमंस के लिए इंपॉर्टेंट होता है कि हम बाहर जाएँ, सोशलाइज करें, लोगों से मिलें, हमें ज़्यादा दिमागी सुकून मिलता है, ऐसे ही डॉग्स के लिए ज़रूरत है कि वो बाहर जाएँ, दुनिया देखें, स्निफ अराउंड करें, सोशलाइज करें, एक्सप्लोर करें, क्योंकि उनके इंस्टिंक्ट में ज़रूरी होता है उनकी मेंटल स्टिमुलेशन के लिए। और आप एक वीक, मैं आपको गारंटी देता हूँ, आप एक वीक अपने डॉग को, अब अगर जर्मन शेफर्ड पॉसिबिलिटी है कि हाई एनर्जी डॉग है उसको शायद 1 आवर की वॉक की जरूरत पड़े, तो आपके डॉग पर डिपेंड करता है। अकॉर्डिंग टू योर डॉग आप देखें कि अभी मेरा डॉग 30 मिनट्स में थक जाता है, 1 आवर में थक जाता है, उस हिसाब से उसकी डेली आप वॉक करें, आपको उसके बिहेवियर में डिफरेंस फील होगा ही होगा। इसके साथ साथ ही स्टेप नंबर 2 आता है, देखिए आपने फिजिकली अपने डॉग को सिखा दिया पर मेंटली क्या, मेंटली भी अपने डॉग को थकाना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि हमारी जितनी भी डॉग ब्रीड्स हैं वर्किंग डॉग ब्रीड्स, इनका कोई मकसद था, लाइक फॉर एग्जाम्पल जर्मन शेफर्ड इज अ वॉच डॉग, रॉटवाइलर इज अ गार्ड डॉग, फॉर एग्जाम्पल गोल्डन रिट्रीवर्स रिट्रीवर्स थे वो शिकार के लिए इस्तेमाल होते थे, हंड डॉग्स थे, डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्किंग डॉग ब्रीड्स हैं। और ऑफकोर्स हम अपने पास पालते तो अल्लाह का शुक्र है, यहाँ चाहे चोरी होने ज़्यादा होता है, इतना कोई इशू होता है तो उनको के लिए कोई काम करने के लिए, तो मेंटली उनको थकाना बहुत ज़रूरी होता है। मेंटली आप कैसे थका सकते हैं उनके साथ, आप बेसिक ओबीडियंस ट्रेनिंग कर सकते हैं, उनको ट्रिक्स सिखा सकते हैं, सिट स्टैंड वगैरह, उनके साथ आप स्निफिंग गेम्स खेल सकते हैं। लाइक मैं ज़्यादातर अपने पपीज़ के साथ यही करता हूँ कि मैं ना अपने लाइक अपने कार पोर्च में या अपने गार्डन में ट्रीट्स जगह जगह पर छिपा दें और उसको फिर स्निफ करने दें, स्निफ करके ढूंढेगा, उसमें उसका दिमाग इस्तेमाल होगा। इससे क्या होगा कि जब आपका डॉग मेंटली भी थका है, फिजिकली थका है, तो उसके अंदर हिम्मत ही नहीं होगी बैड बिहेवियर करने की। कहते हैं अ वेल एक्सरसाइज एंड वेल ट्रेन डॉग इज़ अ गुड डॉग। लास्ट बट नॉट लीस्ट स्टेप आता है करेक्ट योर डॉग्स बैड बिहेवियर। अब ये क्या ज़रूरी है, देखें आपने अपने डॉग को फिजिकली थका दिए, मेंटली थका दिए, तो आपका डॉग 60-70% बेहतर हो जाएगा, बट फिर भी आपका डॉग अगर काफ़ी अरसे से बुरी बिहेवियर कर रहा है, जंप्स कर रहा है, तो उसके ना एक हैबिट बन चुकी है, वो अगर थका हुआ भी होगा तो कोशिश करेगा कि नहीं मेरी आदत है, वो करना चाहेगा उस चीज़ को भी आपने करेक्ट करना। जब आप अपने डॉग को उससे करेक्ट करें तो उसके अंदर हिम्मत नहीं होगी फाइट बैक करने की, फिर वो स्लोली थक जाएगा। और आपने करेक्ट कैसे करने, मारने नहीं है आपने अपने डॉग को, प्लीज़ मारने के हम सब खिलाफ हैं, आपने अपने डॉग को ऐसे करेक्ट करने के जब वो कोई अच्छा बिहेवियर करता है उसको रिवॉर्ड करने, लाइक फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास मेरा डॉग है जंप करता है, आई विल टेल टू सिट डाउन, मेनी सेट्स आई विल गिव हिम अ ट्रीट, और अगर वो कंटिन्यूस जंप करता है मैं उसकी तरफ वॉक इन करके नो बोलूँगा, जैसे वो नीचे होगा तो इग्नोर करके चला जाऊँगा, ताकि उसको पता चले कि ये बिहेवियर मुझे अच्छा नहीं लगा। उसके अलावा आप हल्का सा कॉलर को राइट या लेफ्ट पुल करके भी नो कह सकते हैं, या डॉग की तरफ वॉक इन करके नो कह सकते हैं। इससे आपके डॉग को समझ जाएगा, अच्छा जब भी मैं ये बिहेवियर करता हूँ तो मेरा ओनर मेरे पे गुस्सा होता है या मुझे इग्नोर करके चला जाता है, तो उसको समझ आते अच्छा ये बिहेवियर मैंने नहीं करना। और व्हेन ही इज डूइंग गुड बिहेवियर, लाइक फॉर एग्जांपल जब डॉग का वॉक से लेकर आए और थका हुआ रिलैक्स लेटा हुआ, तब जाकर उसको पेट कर उसका टाइम स्पेंड करें, तो उसको आदत हो के उसने आपके साथ रिलैक्स रहना है, उसने आपके साथ हाइपर नहीं रहना। हमेशा हमने अपने डॉग में कॉम बिहेवियर इंकरेज करना, ना कि एक्साइटेड बिहेवियर। होप गाइज आपको ये वीडियो हमारी पसंद आई हो, इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अगर आपका कोई फ्रेंड है जो इस बिहेवियर अपने डॉग के इश्यू से जूझ रहा हो तो उसको प्लीज़ ये वीडियो शेयर कीजिएगा। उसके अलावा आपको कोई भी रिक्वेस्ट हो, कोई भी सवाल हो, प्लीज़ नीचे कमेंट कीजिएगा, हमें बताएं कि कैसे हम अपनी वीडियोज़ को इम्प्रूव कर सकते हैं, किन टॉपिक्स पर आप चाहते हैं कि हम बात करें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।